गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हिंदी का असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट मैं आपको समझाऊंगी, आप उसको अच्छे से समझ के फिर इसको करेंगे। प्रश्न एक, शब्दार्थ लिखो। इनके आपको अर्थ लिखने, इन शब्दों के झुलसना, फरियादी, आकर्षक, रंग भेद। प्रश्न दो, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की ऊंचाई लगभग कितनी है? 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या 200 किलोमीटर? घटना किसके साथ घटी थी? दारोगा जी के साथ, डॉक्टर के साथ या मंत्री जी के साथ? वर्षा अपने साथ किसे चिड़ियाघर दिखाने ले गई? महक को, हिमानी को या पापा को? प्रश्न तीन, प्रधानाचार्य को जरूरी काम के लिए अवकाश यानी छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न चार, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिजली गिरने से इमारतों को क्या नुकसान होता है? दारोगा जी ने माथा क्यों पकड़ लिया? नंबर दो। नंबर तीन, चिड़ियाघर से हमें पशु पक्षियों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? नंबर चार, जगदीश चंद्र बसु कौन थे? प्रश्न पाँच, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। विज्ञान का दाता कौन होता है? वो यहाँ लिखना है। जिसमें 1000 किलोग्राम होते हैं वो यहाँ लिखना है। रिक्त स्थान भरो, ये ऑप्शन है। घड़ी विज्ञान, राजधानी और वायुमंडल, ये आपको फिल करने हैं इनमें। पृथ्वी का डैश विभिन्न गैसों का मिश्रण है। नंबर दो, दारोगा जी की डैश घर में ही छूट गई। नंबर तीन, नई दिल्ली भारत की डैश है। नंबर चार, अवकाश ग्रहण करने के बाद बसु ने डैश मंदिर की स्थापना की। अच्छे से समझ के फिर आप इस असाइनमेंट को करेंगे। थैंक यू।